पार्लर की आड़ में चल रहा था हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, विदेशी युवती सहित चार गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल एमपी 7 न्यूज। देखिए इंदौर की विशेष खबर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तेजाजी नगर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देकर एक विदेशी युवती सहित तीन लड़कियों और रैकेट चलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई लड़की उज्बेकिस्तान की बताई जा रही है, जिसे रशियन बताकर ग्राहकों के पास भेजा जाता था। पुलिस ने बताया कि संचालक रशियन बताकर ग्राहकों को उज्बेकिस्तान की लड़की बेचता था और लड़कियों को खंडवा, खरगोन और आसपास के जिलों में डिमांड पर भेजता था। मौके से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली है। मामले में पुलिस पूछताछ में जुटी है। इंदौर में इसके पहले भी कई बार पुलिस ने ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर का खुलासा करते हुए कार्यवाही की है, जहां बड़े पैमाने पर देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। अब तेजाजी नगर क्षेत्र में कार्यवाही की है, जहां लिम्बोदी के रानी फार्म में लंबे समय से ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। संचालक जाहिद खान और उसकी पत्नी भी इस धंधे में लिप्त थे। शनिवार को हुई इस कार्यवाही में पुलिस ने तीन लड़कियों और संचालक जाहिद को हिरासत में लिया है। पकड़ी गई लड़कियों में एक उज्बेकिस्तान की है, जिसे दलाल जाहिद खान रशियन बताकर इंदौर सहित आसपास के जिलों में भेजता था। वहीं इसके संपर्क में दिल्ली, गुजरात सहित अन्य राज्यों की लड़कियां भी हैं। फिलहाल पुलिस सभी के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्यवाही कर जांच पड़ताल कर रही है। मामले में पुलिस ने संचालक जाहिद खान की पत्नी को भी आरोपी बनाया है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज़।